कार्यकर्ताओं का भी खूब सपोर्ट मिल रहा है। भारत की संसद किसी एक पार्टी की नहीं है, भारत की संसद किसी एक गुट की नहीं है, भारत की संसद किसी एक विचारधारा की नहीं है। एक सांसद खड़ा होता है सत्ताधारी पार्टी का और दूसरे सांसद को, अरे पार्टी छोड़ दीजिए, वो भी चुना हुआ सांसद है, और उसे कहता है तुम आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, और जात और धर्म के आधार पर उसे टिप्पणी की जाती है, तो उसमें पोस्टर बॉय की बात क्या है। ये बात अगर किसी अपोजिशन के पार्टी के सांसद ने बीजेपी को कही होती तो भी मैं यही कहता, ये गलत है और ऐसी व्यक्ति संसद में नहीं रहनी चाहिए। हाँ, ये पोस्टर बॉय वाला जुमला कहां से लाया आप लोगों ने? क्या है पोस्टर बॉय ये? क्या जिस तरह से संसद में गाली गलौज, धर्म के नाम पर गाली गलौज होती है, ये क्या देश को शोभा देता है? हमारे संसद को नई संसद बनाए ना आपने, तो नई संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा, हाँ संविधान की प्रतिष्ठा, ये किसने मेंटेन करनी चाहिए? ये जिम्मेदारी सबकी है। हाँ, तो क्या दानिशाली हमारा पोस्टर बॉय और वो जो कोई विदुड़ी है वो क्या बीजेपी का पोस्टर बॉय है क्या? कौन सी बात चलती है पोस्टर बॉय की? ये किसने निकाला ये जुमला? ये गलत है। नियम और कानून जो होते हैं संसद में सबको एक समान होने चाहिए। हाँ, राघव चड्ढा को निलंबित किया जाता है, संजय सिंह को निकाला जाता है, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया जाता है, रजनी पाटिल को सस्पेंड किया जाता है और ये बिदुड़ी को सिर्फ नोटिस भेजा जाता है। सर, नवीन संसदान जुन्या संसद संपादक देण्यात आलं आहे की युतीच्या सगळ्यांनी हीच संसद झाली, 10 वर्ष देखील तो टिकत नाही, धसका घेतला का मोदी सरकार? धसका घेतला का नाही हे तुम्हाला कळेलच, पण मी त्या संसदेमध्ये आता गेले 3-4 दिवस होतो, जयराम रमेश यांनी जे मत व्यक्त केलेलं आहे, दिस इज मोदी मल्टीप्लेक्स, आतमध्ये गेल्या होत्या असं वाटतंय, जसे मल्टीप्लेक्सला 4 स्क्रीन असतात, 5 स्क्रीन असतात, हा त्या पद्धतीचं असते मला संसद भवन वाटतं। सत्य का मला संसद भवन अजिबात वाटलं नाही, जे आम्ही अनेक वर्ष, किमान 20 वर्ष मी दिल्ली संसदेत जातो, आमच्या आठमध्ये गेलो आहे, ते वाटतंय की मी एका ऐतिहासिक इमारतीमध्ये आलो, आणि त्या संसदेत चालताना मला असं वाटतं की माझ्याबरोबर या देशाचा इतिहास चालतो आहे, ते फील मला इथे येत नाही। फार गोंधळाचं चित्र आहे त्या संसदेमध्ये। हा भव्यता असेल, दिसतंय की खूप पैसे खर्च केलेले आहेत, पण खासदारांसाठी कोणत्याच सुविधा नाही, लॉबी नाही, कॉरिडॉर नाही, सेंट्रल हॉल नाही, उत्तम लायब्ररी नाही, मग ते बनवलं कशा करता? तुमच्या सोयीसाठी, तुमच्या मनात एक राजाच्या मनात एक लहर आली आणि संसद भवन बनवलं, आम्हाला वाटलं काहीतरी नवीन केला असेल, पण अजूनही आमचं मन हे त्या जुन्या संसद भवनामध्येच लटकलेलं आहे। संसद बनलो आणि त्या सुरळ भाषा सुरुवात झाली, बोललो ना, हे भारतीय जनता पक्षाचं कल्चर आहे। राजनाथ सिंगांनी माफी मागितली, पण त्याच वेळेला दानिशाली यांना शिव्या देणारा त्या खासदाराच्या बाजूला 2 ज्येष्ठ नेते बसले होते, एक हर्षवर्धन आणि डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, आणि ते हसत होते। बोले आपको क्या बात? सर, हिंदी में जानना चाहेंगे कि प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि नया संसद भवन 7-स्टार होटल से भी कम नहीं है, उसके बारे में क्या? मैंने अभी कहा ना, आज लिखा है मैंने सामने में। चलिए सर, एक सवाल ये है, जेडीयू के जो बिहार विधानसभा समावेश के नेता है महेश्वर हजारी, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में तत्काल सभी नीतीश के नाम पर सहमत है, पीएम उम्मीदवार और क्या आपका क्या? एक देश एक निवडणूक संदर्भ समिति, एक देश एक निवडणूक संदर्भ समिति जी बैठक हो गया। चलो, हो गया आपका वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक? नहीं, मुझे बैठक होने दो ना, बैठक में क्या आपका? चलो छोड़ो, सोमवार सुनावी बातमी प्रकरणात प्रसारण मंत्रालयाने लोकशाहीवरती बंदीचा आदेश दिला, बात करतात, पण काल ते स्थगित देण्यात आलं, उस्मान आहे का सांगा?
लोकशाही या चॅनलवर ज्या पद्धतीनं घाई गर्दीनं बंदी टाकण्याचा प्रयत्न केला, मी कालही म्हणालो हा मागच्या दारानं आणीबाणी आणून स्वतंत्र वाण्याच्या मीडियाचा गळा घोटण्याचा प्रकार. पण दिल्ली हायकोर्टानं त्या संदर्भात योग्य भूमिका घेतली आणि ती बंदी उठवली. आजही आम्हाला न्यायालयाकडनं अपेक्षा आहे, मग ते हायकोर्ट असेल किंवा सर्वोच्च न्यायालय असेल. आणि मला आनंद आहे की लोकशाही चॅनल परत लोकांच्या सेवेत रुजू आहे. सर, अपत्र संदर्भात उद्या सुनावणी बघू ना, उद्या बघू ना, याकडे काल अरे उद्या बघू ना, अमित शहा देखील आलेले आहेत, कल देखेंगे ना. आज क्या है सर? आज पीएम मोदी जी की मन की बात.